हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। शुभ्रा शर्मा, आप सबको राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम यहाँ अपने लाला को स्नान करा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण, जनम सुनम प्रपत्ते श्रीमती नारायण नमो नम। लाला को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद अब हम अपने लाला को पहनाएंगे वस्त्र। तो चलिए पहनाते हैं वस्त्र लाला को। स्नान करा दिया है हमने, अब हम लाला का करेंगे श्रृंगार। पहले बनाएंगे हम इनको तुलसा जी की माला। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेरा शुक्रिया है, ये देखिए लाला को हमने स्नान करा करके लाला को हमने यहाँ पर बिठा दिया है। और आज हमने अपने लाला को हरे रंग का वस्त्र धारण करवाया है, क्योंकि आज बुधवार है। हरे रंग का हमारे लाला ने पोशाक पहनी हुई है, और हरे और गुलाबी रंग की इनको मैंने पगड़ी पहनाई है, और माथे पर इनके मोर पंख हमने लगाया है। तो आज की जो एक लीला है वो हम आपको सुनाएंगे कि कान्हा जी को जो है ये मोरपंख इतना प्रिय क्यों है, और इनको माथे पर ही क्यों सजाया जाता है, और ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये भी हम आपको आज की लीला में सुनाएंगे। तो एक बार क्या होता है, जो हमारे कृष्णचंद्र जी हैं वो बांसुरी बजा रहे होते हैं। तो बांसुरी जब वो बजाते हैं, जैसे कि आप सबको पता है हमारे जो श्री श्याम सुंदर जी हैं जब बांसुरी बजाते हैं, तो जो गोपियां हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, सब अपनी सुध-बुध खो देते हैं, और वो सारा काम छोड़ करके नृत्य करने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे श्याम सुंदर जी की जो बांसुरी की धुन है वो बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। तो एक बार जब बांसुरी बजा रहे होते हैं हमारे श्री श्याम सुंदर जी, जो राधा रानी हैं वो नृत्य करने लग जाती हैं। जब श्याम सुंदर जी बांसुरी बजाते हैं तो उनकी धुन पर राधा रानी जो है वो नृत्य करने लग जाती हैं, और नृत्य में वो मगन हो जाती हैं। तो इतने में ही क्या होता है, एक मोर जो है वो भी आकर के उस बांसुरी की धुन को सुन करके ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो भी वहाँ पे नृत्य करने लग जाता है। और जो मोर होता है वो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही लीन होकर के उस धुन को सुन के जब नृत्य कर रहा होता है, तो नृत्य करते करते उसके जो शरीर है उससे मोर पंख गिर जाता है। तो जैसे ही मोर पंख गिर जाता है, जो श्याम सुंदर जी होते हैं वो बंसरी बजाते बजाते उस मोर पंख को लेकर के अपने माथे पर धारण कर लेते हैं। तो तब से ही हमारे जो श्री श्याम सुंदर जी हैं उनको ये मोर का पंख लगाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये राधा रानी और श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेम का प्रतीक है। तो इसीलिए हमारे श्याम सुंदर जी को जब हम स्नान कराते हैं, जब हम उनका श्रृंगार कराते हैं, तो इनके माथे पर मोर का पंख अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो श्री राधा रानी जी हैं, जो हमारी लाडली जू हैं, उन्हीं का ही ये प्रेम का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जब भी आप अपने लाला का श्रृंगार करें तो मोर पंख
हमारे श्री श्याम सुंदर जी के माथे पर अवश्य लगाएं। इससे हमारे श्याम सुंदर जी अति प्रिय होते हैं, क्योंकि जो श्याम सुंदर जी हैं वो राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इसलिए ये एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने लाला को स्नान कराया है, इनका श्रृंगार करा है, और श्रृंगार करने के साथ इनको पोशाक वगैरह पहना करके यहाँ पे हमने विराजमान करके और माथे पर इनके मोर का पंख लगा दिया है, जिससे कि इनकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो आज की लीला, आज की कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलूँगी आपको जल्द दूसरी कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। अभी से ही श्री नारायण को हमारे मोर पंख लगाया जाता है, तो इसलिए आप जब भी अपने लाला का श्रृंगार करें, जब अपने लाला को सजाएं, तो आप भी इनके मुकुट पर या फिर जैसे पगड़ी है, पगड़ी के ऊपर मोर पंख अवश्य लगाएं, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्णचंद्र जी को अति प्रिय हैं, इसलिए मोर पंख भी इनका अति प्रिय हैं। तो आज की ये लीला यहीं पे विराम देती है, और देखिए साथ साथ आप यहाँ पे दर्शन कीजिए आज हमने लाला को किस तरह से सजाया है अपने। देखिए स्नान करके बैठ चुके हैं लाला, अब हमें अपने लाला की आरती करनी है, तो चलिए करते हैं हम आरती। ।